Subscribe Zee Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, मासूमों की सुरक्षा देने वालों के लिए को लेकर के जिस तरीके से एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है आज, जिस तरह से पूरे देश में हालात हैं, इसी को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है। तो शहर शहर मासूमों पर जुल्म से देश का गुस्सा सातवें आसमान पर है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर समाज को हो क्या गया है। मोदी सरकार थोड़ी देर में मासूम पर जुल्म करने वालों के खिलाफ फांसी की सजा पर मोहर लगाने वाली है, मगर इसके बावजूद दरिंदों में खौफ नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। इंदौर में 5 साल की नन्ही जो ठीक से इस दुनिया को देख भी नहीं पाई थी, उसके साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। सूरत में 5 दिन पहले 11 साल की बच्ची को रेप कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंदौर में क्या कुछ हुआ। तो वाकई शर्मसार करने वाला यह मामला है, और देश कब तक शर्मसार होता रहेगा? आखिर समाज को क्या हो गया है, मानसिकता को क्या हो गया है? तो इंदौर के राजवाड़ा में 5 महीने की बच्ची से रेप के आरोपी नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि आरोपी रिश्ते में बच्ची का मामा लगता है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूला है। तो आरोपी नवीन बच्ची के परिवार के साथ फुटपाथ पर सोता था। 2 दिन पहले उसकी बच्ची की मां से बहस हुई थी, जिसके बाद उसने मासूम बच्ची का अपहरण किया और उससे दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव राजवाड़ा इलाके में शिव विलास पैलेस के बेसमेंट में मिला, जिसके पोस्टमार्टम के बाद रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 6 घंटे में ही आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया। वारदात की खबर वरिष्ठ अफसरों को नहीं देने के आरोप में DIG ने सराफा इलाके में ASI त्रिलोकी बरकरे को सस्पेंड किया है। पुलिस केस की जांच कर रही है, लेकिन बहुत शर्मसार करने वाला ये मामला, और ये मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर ये किस तरीके की मानसिकता। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आया जिसकी रात में बच्ची की माँ के साथ विवाद हुआ था, और उसके बाद पुलिस ने जब उस पर पूरा फोकस किया, उसके बाद पूरे घटनाक्रम को किया, तो संबंधित व्यक्ति जहाँ जहाँ ठिकाने थे वहाँ से गायब भी था। उसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित करके, इसके पहले कि वो शहर छोड़ के भाग जाता, उस पर दबिश देकर उस संबंधित व्यक्ति को पकड़ा। बच्ची के साथ वीडियो फुटेज भी कुछ पुलिस के हाथ लगे हैं कि जो माता थी जो बच्चे की, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस ने उसमें 2 घंटे तक इनके साथ जाकर के ढूंढा। लेकिन इसमें कार्रवाई इसलिए की गई कि संबंधित जो ASI जो कि ड्यूटी पे थे, उसमें उनको वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की जानकारी देनी थी। घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत गंभीर घटना थी, उन्होंने इस जानकारी को नहीं बताया, जिसके कारण जैसे ही घटना संज्ञान में आई तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया गया और विभागीय जाँच की अनुशंसा की गई। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिस्टम जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, तब तक क्या इस तरह के केसेस को रोक पाएंगे हम? और हमारे साथ कन्हैया शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं इंदौर से तमाम जानकारियां देने के लिए। कन्हैया, बड़ा हैरान करने वाला मामला, और ऊपर से जो सिस्टम को तुरंत करना चाहिए था वो नहीं देखने को मिला। वारदात की खबर वरिष्ठ अधिकारियों तक को नहीं दी गई। बिल्कुल सता, अगर देखा जाए तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस की गलतियां हैं वो नजर सामने आती हैं, क्योंकि जब ASI को ये बात पता चल गई थी रात में कि एक बच्ची जो 4 से 5 महीने की बच्ची है, जब उसकी मां उनके पास शिकायत लेकर के गई थी, तो अगर तत्काल रूप से उसकी FIR दर्ज की गई होती है और एक सिस्टम के तरीके से अगर उसको खोजा जाता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। ये वही जगह है श्रोता जहां पर उस बच्ची को फेंका गया था। इस बच्ची का जो शव है इसी जगह पर मिला था, इसी के बेसमेंट में यहां पर बच्ची का शव मिला था, जहां पर बच्ची के मिलने के बाद जो है पुलिस ने जांच शुरू की थी। और फिलहाल जो आरोपी है नवीन, वो इस समय पुलिस के हिरासत में है, और लगातार जो पुलिस की टीम है वो लगातार इस मामले को खुलासा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो आसपास के CCTV कैमरे हैं, जो आसपास के लोग हैं, साथ ही साथ जो परिजन हैं और जो बच्चे के और जानने वाले थे, उनसे लगातार पूछताछ की गई, जिसके बाद 6 घंटे के बाद जो आरोपी है वो हिरासत में ले गया। लेकिन श्रोता, अगर हमारे देश में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से इस तरीके की जो जघन्य अपराध है, जघन्य घटनाएं हैं, उनकी सूचना हमेशा आती है। घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो कानून है उसको जमीन पर उतरने की जरूरत है, कानून का पालन कराने की जरूरत है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज जिस तरीके से फांसी की सजा का प्रावधान की बात चल रही है, लोग हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। आपका क्या मानना है कि इस तरीके की जो अपराध होते हैं, 12 साल की बच्ची या 12 साल की बच्ची से कम के साथ अपराध होता है, उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर होनी चाहिए? बस फांसी की सजा होना चाहिए, सभी को फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसे दरिंदों को फांसी ही होना चाहिए।
और कुछ भी अलाउ नहीं है। कन्हैया इनसे सवाल पूछिए कि समाज को हो क्या गया है, ये किस तरीके की मानसिकता है, 5 महीने की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, कोई नहीं उनको ना किसी प्रकार से बख्शा जाए ना किसी प्रकार की। एक बात ये नहीं समझ पाती, ये किस तरीके की मानसिकता है अपराधियों की कि 5 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके साथ इतनी जघन्य अपराध किया जाता है। आपको नहीं लगता कि समाज को और जागरूक होने की जरूरत है इस तरीके की? बहुत जरूरी है समाज को जागरूक होने के लिए। और जैसे अन्य देशों में होता है कि सामूहिक खड़ा करके उसको गोली मार देते, तो ऐसा अपने देश में भी कोई कानून होना चाहिए तो आगे दूसरों के लिए उसके वो मिले, सबक मिले, सबक मिले।